ना अफवाह है ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। इंडिया का नेतृत्व किसके द्वारा किए जाने की संभावना है? निष्कर्षतः राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार केवल दो ही संभावनाएं हैं, सोनिया गांधी या राहुल गांधी। विशेष रूप से एक मजबूत राय यह बताती है कि सोनिया कागज पर नेतृत्व करेंगी, जबकि विपक्षी गठबंधन के अन्य सभी सदस्य आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिशन 2024 को पूरा करने के लिए जिम्मेदारियों को विभाजित करेंगे और हर एक कदम के लिए समन्वय करेंगे। बीजेपी का क्विट इंडिया महाभियान। भारत छोड़ो अभियान के 81 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया है। 21 दिनों तक चलने वाले इस महाअभियान की शुरुआत संसद में लगी गांधी प्रतिमा से की गई। इस अभियान को विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला माना जा रहा है। पीएम मोदी के निर्देश पर इसे शुरू किया गया। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने एक ट्वीट करते हुए यह भी कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। आज भारत एक स्वर से कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, राजवंश भारत छोड़ो, तुष्टिकरण भारत छोड़ो। पीएम ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाएं। बीजेपी के इस नए अभियान का समापन 29 या 30 अगस्त को होगा, जिसका समापन कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। पार्टी सांसदों के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि वे परिवारवाद, भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो जैसी लाइनों का इस्तेमाल करके अभियान को सोशल मीडिया पर चलाएं। पीएम ने कहा कि विपक्षी दलों में कुछ ऐसे लोग हैं जो न कुछ अच्छा करते हैं और न ही दूसरों को अच्छा करने देते हैं। पार्टी द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री 16 अगस्त को अपने मासिक रेडियो शो मन की बात के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान की भी शुरुआत की। पीएम ने इसे अभियान का प्रचार सोशल मीडिया पर करने को कहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।